elected all dignitaries, Government of India, State Government, World Health Organization. Thank you so much, sir, giving me opportunity to conduct CBRN demonstration during this beneficial workshop of chemical emergency. मैं निरीक्षक जीडी राहुल कुमार 11 एनडीआरएफ वाराणसी के जवानों द्वारा प्रदर्शित किए जा रहे इस सीबीआरएन इमरजेंसी डेमोन्स्ट्रेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इस प्रदर्शन की महत्ता को इसी बात से समझा जा सकता है कि वर्तमान में सीबीआरएन फैलाव मामूली घटना से शुरू होकर विकराल रूप धारण कर सकता है। इस डेमोन्स्ट्रेशन में 11वीं वाहिनी एनडीआरएफ की एक सीबीआरएन टीम द्वारा सीबीआरएन इमरजेंसी के दौरान की जाने वाली कार्रवाई का एक सूच प्रदर्शन दिखाया जा रहा है। आज की परिदृश्य में रसायन आपातकाल को मानव जाति के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जा रहा है। रासायनिक आपदाओं से जहां एक ओर बड़ी संख्या में लोग घायल हो जाते हैं, वहीं दूसरी ओर ऐसी दुर्घटनाओं से आम जनता में शारीरिक एवं मानसिक सदमों के साथ साथ उदासीनता, मनोबल ह्रास एवं नीरसपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इन रसायनों के प्रभाव में आनुवांशिक तथा जन्मजात बीमारियां भी होती हैं, जिसका असर हम भोपाल गैस कांड के दौरान देख चुके हैं। हानिकारक रसायनों का केमिकल इंडस्ट्रीज में इनके प्रोडक्शन, यूज, स्टोरेज तथा ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ी सी मानवीय चूक होने पर रासायनिक दुर्घटनाएं हो सकती हैं। आज के इस युग में जहां नित नई टेक्नोलॉजी से मानव जात का उत्थान किया जा रहा है, वहीं जब यह टेक्नोलॉजी गलत हाथों में पड़ जाए तो इसकी सहायता से विध्वंस भी किया जा सकता है। सीबीआरएन क्षेत्र में मानव ने इतनी तरक्की कर ली है कि आने वाले कल में सीबीआरएन युद्ध को नकारा नहीं जा सकता। केमिकल इमरजेंसी के बारे में आम लोगों के पास जानकारी या इसका ज्ञान बहुत कम है। ऐसी इमरजेंसी के दौरान कुछ जरूरी बातों का ज्ञान वहां रह रहे या काम कर रहे लोगों को होना आवश्यक है। जैसे हवा की विपरीत दिशा में जाना, मुंह को गीले कपड़े या रूमाल से ढककर रखना, शरीर के किसी भी भाग को खुला न रखना इत्यादि। भोपाल गैस कांड में यदि इन सब बातों का ज्ञान होता तो शायद कई कीमती जीवन बच सकते थे। एनडीआरएफ की सीबीआरएन टीम इन रासायनिक आपदाओं से किस प्रकार निपटती है, इसे एक छोटे से डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से दिखाया जा रहा है। सर्वप्रथम मैं आपका ध्यान सामने ग्राउंड की तरफ ले जाना चाहूंगा, जहां पर इस डेमोन्स्ट्रेशन को किया जाएगा। में क्लोरीन गैस का लीकेज हुआ है, जिसमें क्लोरीन का रिसाव होने से काफी लोग प्रभावित हुए हैं तथा कई लोगों के फंसे होने की संभावना भी है। लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है तथा नाक गलावा, आंख में जलन महसूस होना, आंखों में पानी बहना तथा धुंधला दिखाई देना इत्यादि की शिकायतें आ रही हैं। स्थानीय लोगों द्वारा, प्रशासन द्वारा रेस्क्यू कार्य चलाया गया, परंतु वे लोग भी इससे प्रभावित होने लगे हैं। सिचुएशन ज्यादा ही क्रिटिकल हो जाने पर स्थानीय प्रशासन द्वारा 11वीं वाहिनी एनडीआरएफ को मदद हेत कॉल किया जाता है। इसी कार्रवाई को देखें। आप मेरे पास आ जाइए। सक्षम अधिकारी को दी गई, सक्षम अधिकारी द्वारा वाहिनी में 24 घंटे अलर्ट टीम को एक्टिवेट किया गया। टीम कमांडर द्वारा तुरंत ही अपनी टीम को साजो सामान के साथ तैयार होने का आदेश दिया गया। टीम कमांडर उच्च अधिकारी से आदेश लेने के बाद आवश्यक साजो सामान के साथ टीम को घटनास्थल की ओर पहुंचने के बाद टीम किस प्रकार से रेस्पॉन्स करती है, कृपया देखें। टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है।
जो ही टीम घटनास्थल पर पहुंचती है तो टीम कमांडर, इंसिडेंट कमांडर जो कि स्थानीय प्रशासन का कोई भी अधिकारी हो सकता है, वो अपनी टीम के पहुंचने की रिपोर्ट देता है। ये लोग घटना के बारे में पूरी जानकारी करते हैं। आप घटनास्थल पर पहुंच चुके हो, यहाँ पे फ्लोरिंग गैस का रिसा हुआ है, मैं कोई घटना की जानकारी देता हूँ। ठीक है सर, हम हमारी टीम तैयार है और जल्दी हम ऑपरेशन शुरू कर देख रहे हैं और उसके बारे में तत्पश्चात सूचना अधिकारी टीम कमांडर से पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के उपरांत स्थानीय जनता को सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में मेगाफोन द्वारा बताता है। सेफ्टी ऑफिसर विंड डायरेक्शन चेक करके टीम कमांडर को रिपोर्ट देता है। सेफ्टी ऑफिसर कितने सेक्टर ठीक है, विंड डायरेक्शन चेक करने का भी सुने सुने सुने, जहां जैसे क्लोरीन गैस का रिसाव हो रखा है, जो व्यक्ति बाहर है वो कृपया करके हवा के विपरीत दिशा में जाएं, और जो लोग घर के अंदर हैं वो कृपया अपने खिड़की दरवाजे बंद कर लें तथा गीला रुमाल या कोई कपड़ा गीला करके अपने मुंह के आगे रख लें। इन डायरेक्शन सीपीआरएन जैसी दुर्घटनाओं के दौरान टीम कमांडर की सुरक्षा की दृष्टि से हवा के रुख को जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि कंटामिनेशन हवा के रुख के साथ साथ बढ़ता है। हवा की विपरीत दिशा में डिकंटामिनेशन स्टेशन, स्टेजिंग एरिया और मेडिकल स्टेशन लगाया जाता है, जो कि यहां पर समय का अभाव होने के कारण पहले से ही लगाया जा चुका है। सीबीआरएन जैसी इमरजेंसी के दौरान रेस्क्यूअर्स को भी अपनी सुरक्षा हेतु विशेष प्रकार की पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि इस प्रकार के ऑपरेशन में थोड़ी सी सुरक्षा चूक हो जाने पर किसी भी रेस्क्यूअर्स की जान भी जा सकती है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, कंटामिनेशन एवं हजार को देखते हुए सभी रेस्क्यूअर्स को हॉट जोन तथा फार्म जोन में आने जाने का समय भी नोट किया जाता है। टीम कमांडर डिटेक्शन टीम को इंसिडेंट साइट में डिटेक्ट करने का आदेश देता है। जैसे ही डिटेक्टर टीम एंट्री पॉइंट पर पहुंचती है और वहां पर सेफ्टी ऑफिसर सभी को बारी बारी से उनके पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट चेक करता है और सुनिश्चित करता है कि सभी ने ठीक प्रकार से पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहना हुआ है। इस डिटेक्शन टीम का टास्क एरिया डिटेक्ट करना तथा हॉट जोन को मार्क करना होता है। इनके पास उपकरण गैस अलर्ट माइक्रोफाइल तथा क्लोरीन टॉर्च है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के साथ एससीडीए सेल्फ कंटेन्ड ब्रीथिंग एपरेटस, जिससे रेस्क्यूअर ऑक्सीजन लेते हैं, इसमें 300 बार नेचुरल हवा भरी होती है जो 45 मिनट तक कार्य कर सकती है। हवा खत्म होने से 15 मिनट पहले यह अलार्म देना शुरू कर देता है ताकि सिलेंडर को चेंज किया जा सके। आप देख रहे हैं कि डिटेक्शन टीम द्वारा गैस के कंसंट्रेशन को देखते हुए
हॉट जोन को मार्क किया गया। हॉट जोन यहाँ रासायनिक पदार्थ का अधिक कंसंट्रेशन होने से इस क्षेत्र में रहना काफी खतरनाक होता है तथा इसके बाद का एरिया जहाँ पर रासायनिक पदार्थ का प्रभाव कम होता है वार्म जोन कहलाता है। हॉट जोन मार्क करते ही क्लीनिंग टीम का डिकंटामिनेशन टीम खूब कर जाती है। डिकंटामिनेशन टीम डिकंटामिनेशन स्टेशन को स्थापित करने का कार्य करती है तथा सीडिंग टीम द्वारा रासायनिक रिसाव को बंद कर उसकी रिकवरी की जाती है। इसके पश्चात टीम कमांडर रेस्क्यू टीम को रेस्क्यू हेतु प्रभावित क्षेत्र में भेजता है। सभी को भी सेफ्टी ऑफिसर द्वारा चेक किया जा रहा है। रेस्क्यू टीम का कार्य मिट्टी को हॉट जोन से निकालकर डिकंटामिनेशन प्रोसीजर से गुजारते हुए मेडिकल स्टेशन तक लाने का होता है। क्लोरीन एक टॉकिंग एजेंट है। क्लोरीन गैस जो कि कंसंट्रेशन अवस्था में शरीर के रेस्पिरेटरी सिस्टम में पहुंचकर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक एवं लंग्स के टिश्यूज को डैमेज कर देता है। इससे मरीज के कफ, घुटन, सीने में भारीपन, जीभ हिलाना, सर दर्द, आंखों में पानी इत्यादि हो सकता है। आघात एवं इससे मृत्यु भी हो सकती है। क्लोरीन से बचाव के लिए जितनी जल्दी हो सके घटनास्थल से दूर काफी हवा वाले इलाके में चले जाए। क्लोरीन हवा से भारी होती है, संभव हो तो ऊंची जगहों पर तरण लें। यदि क्लोरीन का रिसाव किसी मकान या बिल्डिंग के अंदर हुआ है तो तुरंत कमरे से बाहर निकल जाए। यदि आप लिक्विड क्लोरीन एक्सपोज हो चुके हैं तो कंटामिनेटेड हुए कपड़ों को जितनी जल्दी हो सके निकाल जाए और कंटामिनेटेड कपड़ों को किसी प्लास्टिक बैग में रखें। घटना स्थल पर किसी तरह पदार्थ को ना छुए। यदि आपकी आंखों में जलन हो रही हो या आपको झुकना दिखाई दे रहा है तो आंखों को लगातार 10 से 15 मिनट तक साफ पानी से धोएं और जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर से परामर्श लें। बहुत प्रभावित क्षेत्र में जाने के लिए पृथ्वी रेस्क्यूअर्स को अपनी सुरक्षा एक विशेष प्रकार का प्रदान पहनना पड़ता है जिसको एनपीसी सूट के नाम से जाना जाता है। इसकी आउटर लेयर एप्लीकेटेड नायलॉन जो लिक्विड फॉर्म केमिकल को शरीर में प्रवेश करने से रोकता है। मिडिल लेयर एक्टिवेटेड चार्कोल की बनी होती है जो कंटामिनेशन एयर को एब्जॉर्ब कर अंदर जाने से रोकता है। एनबीसी सूट की जो इनर लेयर है वो कॉटन की बनी होती है जो पसीने को सोखकर बॉडी को ड्राई रखता है। ओवरकोट, ओवर ग्लव, रेस्पिरेटर, ब्रोमोबिटाइल रबर के बने होते हैं, ये भी लिक्विड केमिकल को अंदर जाने से रोकता है। इसमें कैनिस्टर जो यूज किया गया है उसमें हेपा फिल्टर और एक्टिवेटेड चारकोल फिल्टर का यूज किया गया है।
सुविधा है। कंटामिनेशन की कार्रवाई इसलिए की जाती है ताकि कंटामिनेशन को वार्प जोन तक ही सीमित किया जा सके। ज्यादा सीरियस होने पर घायलों को कैजुअल्टी बैग में लपेटकर सीधे मेडिकल स्टेशन के माध्यम से पहले ही अनमार्क हॉस्पिटल को भेजा जाता है। सीरियस विक्टिम को सावर देने से पहले कैंची से उसके कपड़े काट दिए जाते हैं। साथ ही फीमेल विक्टिम के लिए लोकल प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए महिला डिकॉन कर्मी एवं स्क्रीन का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद घायल को फर्दर ट्रीटमेंट हेतु मेडिकल स्टेशन में भेजा जाता है। विक्टिम्स को निकालने के बाद रेस्क्यू टीम जिस जगह खड़ी है उसे कुआ कहते हैं, कंटामिनेटेड यूनिट वेटिंग एरिया। यहाँ पर विक्टिम के सारे कपड़े उतार दिए जाते हैं बट यहाँ पर ये स्किप किया गया है। सभी विक्टिम को निकालने के पश्चात पूरी रेस्क्यू टीम का भी डिकंटामिनेशन किया जाता है, जिसके 9 चरण हैं। सबसे पहला चरण इंडिविजुअल गियर ड्रॉप। यहां पर रेस्क्यूअर अपने इक्विपमेंट को ड्रॉप करते हैं तथा विक्टिम के सभी सामान को यहां पर रखा जाता है। नेक्स्ट स्टेशन पर्सनल डिकंटामिनेशन या सफल पिट। यहाँ पर रेस्क्यूअर्स का फिजिकल डिकॉन के लिए फूलर अर्थ से ड्राई डिकॉन किया जाता है। नेक्स्ट स्टेशन ओवर गारमेंट्स ऑफ। यहाँ पर रेस्क्यूअर्स के गारमेंट को उतारा जाता है।
एस्कॉर्ट एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। Now the rescue team, they are taking their garments off for decontamination. ओवर गार्मेंट्स रिमूव करने के पश्चात ओवर बूट ओवर ग्लव्स को भी रिमूव किया जाता है। अगले स्टेशन पर रेस्क्यूअर्स की मॉनिटरिंग की जाती है।